यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल, REMC, इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही है, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा, जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सब ठीक हो, बढ़िया हो, प्रिपरेशन सबकी मस्त और जबरदस्त चल रही होगी, ठीक है, ओके गुड। चलो भाई, तो हम लोगों का जियोमेट्री में हम क्या लेके चल रहे हैं, अब ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। चीज़ें आपको समझ आई होंगी, जो हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रो दिया था ट्राइंगल का, है ना, वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें आपको क्लियर भी होंगी कि हाँ भाई हमने कैसे ट्राइंगल को प्रोसीड करना है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ हमने इसमें स्टार्ट करी थी, ठीक है। ट्राइंगल का इंट्रो लिया था कि ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है, जिसकी कि तीन क्या होती हैं, साइड होती हैं, तीन उसमें एंगल होते हैं, तीन उसमें वर्टेक्स होती हैं, जो एक कोने होते हैं, और ये एक पॉलीगन होता है जो कि सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब तीन नंबर वाला, सबसे कम साइड कितनी होती है पॉलीगन में, थ्री साइड हमने पढ़ा है ना, कम से कम थ्री साइड होंगी, फिर उससे ज्यादा का जो भी बनेगा, ठीक है। थ्री साइडेड पॉलीगन को हम ट्राइंगल कह देते हैं, ये चीज आपने पढ़ ली थी, समझ ली थी। फिर हमने इसके बाद ट्राइंगल के बनाने के कुछ रूल पढ़े थे कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना दें, कुछ भी फिगर बना दें, हमेशा ट्राइंगल की जो दो साइड होंगी अगर उनमें प्लस करूंगा तो तीसरी साइड से ज़्यादा होगी, अगर मैं किसी भी दो साइड का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो वो तीसरी वाली साइड से कम आएगा, ठीक है। और जो साइड होगी, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, जिस कोई भी ट्राइंगल है उसमें जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, ये चीज हमने बेसिक कंट्रोल ले लिया था। इसके बाद अब हमने इसमें करना था आपका क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखनी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रॉपर्टी भी याद नहीं रहेगी तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए इन चीज़ों को बहुत केयरफुली आप लोगों ने समझना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, ठीक है, वो ये है कि सम ऑफ, सम की मीनिंग सबको पता है, जो आंसर प्लस करके आता है, ठीक है, सम ऑफ ऐसे लिख लो, सम ऑफ थ्री एंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल, ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल, हमें पता है ट्राइंगल में थ्री एंगल होते हैं, अगर मैं उन थ्री एंगल को प्लस कर रहा हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, ये आपने जरूर पढ़ा भी होगा पहले, पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा है, बताओ, कि जो ट्राइंगल होता है उसमें जो तीन एंगल होते हैं अगर हम उन एंगल को प्लस करेंगे तो वो हमें किसके इक्वल मिलेगा, वो हमें मिलेगा 180 के इक्वल मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हमेशा आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी ट्राइंगल हो उसके जो तीन एंगल हैं
अगर मैं उनको प्लस करूंगा हमेशा 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 वो 180 के इक्वल होगा। बोलो ठीक है, क्लियर है? ओके इसी को ऐसा भी लिखा होगा कहीं पे, इसी स्टेटमेंट को कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसी को ऐसा भी लिखा होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल भी आप लोगों को पता है, ये मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तो इसमें क्या एक्सटीरियर एंगल भी बनेगा? देखो अगर मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल ये बाहर वाला, तो इसको हम फिर यहाँ पे क्या कह देंगे, एक्सटीरियर एंगल कह देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इंटीरियर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 180 हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग लिखिए वहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी वहाँ पे उन्हें अलग दे रखी है, बाकी सब सेम है, स्टेटमेंट थोड़ी अलग है बाकी सब सेम है। ठीक है, बताओ सार तक बोल रहे हो कुछ? सार्थक माइक कौन है, पूछ रहे हो कुछ? कुछ नहीं। ओके तो हमने क्या बोला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, चाहे इंटीरियर लिख लो चाहे नॉर्मल लिख लो। ओके कंफ्यूज मत होना, कहीं पे वो भी लिखा होगा। दो प्रॉपर्टी याद रहेंगी, दो प्रॉपर्टी याद रहेंगी, मैं सबको बताओ बोलो। ठीक है, फिर जब हमने आप इंटीरियर एंगल बोल ही दिया है, तो इसमें हम एक थर्ड प्रॉपर्टी ये देख लेंगे, फिर मैं इनको आपको सम अप करवाता हूँ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हम ये देख लेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, देखो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल, उसका जो सम होता है वो मिलेगा हमें 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है ट्राई एंगल की, ठीक है, ये ट्राई एंगल की प्रॉपर्टी है, इनको आपको एज इट इज लर्न कर रहा है, एज इट इज इनको आपको याद रखना है। ठीक है, 360 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है? ओके आप बोलोगे सर इसमें एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे होंगे, हमें थोड़ी समझ नहीं आ रहा। देखो एक्सटीरियर एंगल ये होगा, मैंने कोई भी मान लो एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने एक ऐसा ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब जो है ऐसा आगे चलेगा, एक लाइन हमने यहाँ आगे कर ली, ये हो गया। ठीक है, एक लाइन मैं इसको भी यहाँ ऊपर बढ़ा दिया, ये हो गया, इसको मैंने यहाँ ऊपर क्या बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो ये हो गया। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है, देख लो सबको दिख रहा है एंगल, ट्राइंगल दिख रहे हैं सबको, ट्राइंगल दिख गया सबको, ट्राइंगल तो दिख गया, एंगल दिख गया सबको, एंगल दिख गया, एंगल दिख गया सबको। एक एंगल ये मान लो मैंने इसे एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, इसको मैंने जेड मान लिया, ये एंगल आपको दिख रहे हैं ना कि सर जो ट्राई एंगल है ये उसके बाहर वाले एंगल है, अंदर वाले तो ये होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? जो बाहर वाले होंगे उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ये बाहर वाले हैं और ये घर वाले हैं। ठीक है, जो अंदर है वो घर वाले हैं, अंदर वाले, इनका जो सम निकलेगा वो 360 डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताओ ये पॉइंट याद रहेगा सबको? सब बच्चे लोगों को ये पॉइंट याद रहेगा। इससे आपका क्या होगा कि सर अगर मुझे कोई दो एंगल पता होंगे, अगर मुझे इनमें से कोई दो एंगल पता है, मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बोलो हो जाएगा? एक तो आपने ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। फिर देख लो मैं आपको दूसरा भी यहीं पे ये इंटीरियर वाला समझा देता हूँ, सिर्फ फील देने के लिए। ये हमने मान लो कोई भी एक ट्राइंगल बना दिया, अंदर का इस बार एक्स है, ये वाला वाई है, ये वाला जेड है, इनका अगर हम सम निकालेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ, अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा आप ट्राई एंगल के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको बहुत केयरफुली अपने माइंड में फिट कर लो। फिट क्या कर रहा है, हमने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी है, ट्राई एंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, उनको अगर मैं प्लस करूंगा मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ट्राई एंगल के बाहर तीन एंगल होते हैं जो हमने यहाँ पे शो कर रखा है, अगर मैं इन एंगल को भी प्लस करूंगा मुझे 360 डिग्री मिलेगा। ये यहाँ पे हमने नॉर्मल सी बात कही है, क्लियर है? क्लियर है?
चलो अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना, ध्यान से देखना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को हमने अब थोड़ा कंबाइन करके उस पर एक प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। कंबाइन करके इस पर एक प्रॉपर्टी बनेगी जो कि लिखा होगा सम ऑफ, ध्यान से देखना ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट, अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, उनका सम, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अरे कुछ कुछ बात समझ, स्टेटमेंट को पढ़ो, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, किसके इक्वल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अब बोलोगे सर कुछ कुछ ये समझ नहीं आई बात, कुछ कुछ बात सर यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, कैसे होगा, लगाओ दिमाग। सिंपल लिखा है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो इक्वल होंगे एक्सटीरियर एंगल के, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ठीक है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। कैसा अपोजिट वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये एंगल यहाँ पे एक्स है, ये एंगल यहाँ पे वाई है, ये एंगल यहाँ पे जेड है। कैसे एंगल है ये, इंटीरियर है। और यहाँ बाहर मैंने एक एंगल बना दिया, यहाँ बाहर भी हमने क्या कर दिया, एक एंगल बना दिया जो कि ये एंगल है क्या, इसको मैंने ए एंगल मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है सर एक्स वाई जेड ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, और जो यहाँ पे ए है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है। हमें बोला है कि अगर हमें बोला जाएगा कि इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, ठीक है। जहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल होगा इसके बगल वाला एंगल छोड़ के, उसको छोड़ दो, बाकी के जो दो एंगल होंगे उनको अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा ए। बताओ ये बात भी सबको समझ आई कि नहीं आई। अगर आपको ये दो एंगल पता होंगे आप ये एंगल निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, आप ये एंगल निकाल सकते हो। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है मेरी बात, बताओ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से एक समझाने वाली बात यह है कि दो जो अपोजिट है इसको छोड़ करके, इसमें अपोजिट इसलिए लिखा है कि इसके बगल वाले को छोड़ करके, ठीक है, इसके बगल वाले को छोड़ करके, वो वहां पे बोला गया है, वो वहां पे बोला गया बगल वाले को छोड़ करके, ठीक है, कर लोगे इतना, कर लोगे इतना, बताओ समझ गया, समझ आ गया सबको। देख लो फिर मैं ऐसा भी आपको समझा देता हूं, अगर ये एंगल ऐसा होगा, अगर यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल इस बार इधर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं चलो इसको मान लेता हूँ कि यहाँ पे बी एंगल मान लेता हूँ, अंदर हम वही रहने देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब बताओ इस बारे मुझे बताओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एक्सटीरियर एंगल है बी, बी जो एक्सटीरियर एंगल है, इस बार ए एक्सटीरियर एंगल था, इस बार यहाँ पे बी एक्सटीरियर एंगल है, बी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, बी इज इक्वल टू क्या होगा, समझ आ रही है बात सबको ना, बताओ फिर बी इज इक्वल टू क्या होगा इस बार, अगर मुझे बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, क्लियर है ना, वाई प्लस जेड हो जाएगा, है ना। हमने क्या करना है, इसके बगल वाले को छोड़ करके, जो इसके जस्ट एडजेसेंट है उसको छोड़ करके जो है उनको हमने प्लस कर लेना है, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, ठीक है, सिंपल है, ओके गुड। नेक्स्ट देख लो, अगर एंगल ऐसा होगा, ये ट्राई एंगल है, ये ट्राई एंगल है, और इस पे जो एंगल है इस बार यहाँ एंगल है, इसको हमने यहाँ पे सी मान लिया, इसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, सी मान लिया, अंदर यहाँ पे जो पहले से हम मानते चल रहे हैं एक्स है, वाई है, जेड है, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एक्सटीरियर एंगल है सी, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी सब लोग बता दोगे क्या हो जाएगा, बताओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड हो जाएगा, एक्स प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी सबको क्लियर हो गई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की होंगी, काम की चीजें, आगे क्लियर है, चले आगे, चले आगे। चलो ये दो चीज आपको क्लियर हो गई, मेन जो यहाँ से आपको बहुत बहुत बहुत
बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि सर जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं अंदर वाले उनका सम 180 होता है। ये बहुत हर जगह काम आएगा, हर जगह वो काम आएगा। ठीक है अब सर, ठीक है हम जो अब एंगल की बात कर रहे हैं वो तो हमने बहुत पहले कर ली। ठीक है मैंने पहले भी बोला था कि जो हम उस टाइम एंगल पढ़ रहे हैं वो आपका आगे हर जगह काम आएगा। देखो ट्रायंगल में भी एंगल बन रहा है, आगे स्क्वायर रेक्टेंगल हर जगह एंगल बनता जाएगा। फिलहाल के लिए हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि सर जो ट्रायंगल होते हैं उसके टाइप की हम बात करते हैं। ठीक है हम अब पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, टाइप डिस्कस करना है। क्लियर है, नोट नहीं वा कर लो नोट। अब हमने क्या डिस्कस करना है, ट्राइंगल के टाइप डिस्कस करना है। हो गया ओके ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। हमने क्या करना है, ये दो टाइप से हमने इसको स्टडी करना है, दो टाइप से हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसमें आएगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जो उसमें साइड है। ठीक है तीन साइड होती है ना, ये इन साइड के बेस पे हमने क्या करना है, उनको कैटेगराइज करना है, टाइप दिखाने ऑन द बेस ऑफ साइड। एंड जो सेकंड आएगा हमने करना है, सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। आपको पता है ट्रायंगल की तीन साइड होती है, ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तो हमने एक बार साइड के बेस पे उसके टाइप बताने हैं और फिर एक बार हम क्या करेंगे एंगल के बेस पे उसके टाइप बताएंगे। क्लियर है ठीक है। अब हम बोलेंगे कि सर ठीक है चलो देखते हैं, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पे हम बात कर रहे हैं तो ये तीन टाइप का होता है। ठीक है साइड के बेस पे बात कर रहे हैं तो ये तीन टाइप का होता है। फर्स्ट इसमें आएगा आपका क्या, इक्विलेटरल, EQUI, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है इससे आपको लर्न हो जाएगा, ये एक बार हम इसको ऐसा ओवरव्यू बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल समझा देता हूँ हल्का, इक्विल मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है ओके सेकेंड अभी लिखवाऊंगा इसमें, सेकेंड आएगा इसमें आपका क्या, आइसोसेलस, आइसोसेलस इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SCELS, SCELS ठीक है, आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल में क्या होगा, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होंगी, आइसोसेलस में कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। ठीक है थर्ड क्या आएगा आपका, स्केलेन ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, तीनों के तीनों जो साइड होती है उनकी जो लेंथ हो, ये हम लेंथ की बात कर रहे हैं। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि साइड इक्वल है इट मीन्स उसकी उनकी लेंथ इक्वल है, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि साइड अलग अलग है आई मीन लेंथ उनकी अलग अलग है ना, जैसे ये है ये है ये है, इसमें देखो ये सबसे लंबी है फिर ये है फिर ये है। ठीक है तो यहाँ पे तीनों साइड क्या है इक्वल इक्वल हमें आई मीन डिफरेंट है। ठीक है तो ये आपका इक्विलेटरल बराबर होंगी, आइसोसेलस कोई भी दो बराबर होंगी, स्केलेन कोई भी बराबर नहीं होगी। ये हमने ऑन द बेस ऑफ साइड के बेस पे उसे क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, कैटेगराइज कर लिया। ऑन द बेस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे, एंगल के बेस पे हम कहेंगे एक को एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल, जिसमें कि
आपको पता है ट्राइंगल में तीन एंगल होंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम कर रहे हैं ना, तीन एंगल हैं ट्राइंगल में, तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब सर उनके जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम होगा। एक्यूट एंगल आपने पढ़ा है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड हम इसमें जो बात करेंगे, ठीक है, एक हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक होगा इसमें फिर आपका क्या, एक होगा फिर इसमें आपका क्या राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल भी आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, अब ये मत बोल देना कि तीनों के तीनों एंगल राइट एंगल होंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड आएगा इसमें आपका क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ऐसा एंगल जिसमें, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा। बताओ कुछ कुछ बात समझ आई, कुछ कुछ बात समझ आई सबको, कुछ कुछ बात समझ आई सबको, बताओ कर लोगे इनको, कर लोगे इनको, हो जाएगा यार, नोट कर लिया इतना। अब हम इसको एक एक करके मैं आपको एक एक लाइन में लिखवा देता हूँ। अभी आपका क्या होगा कि बेस क्लियर हो गया, एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल गया है ना, एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल गया कि यहाँ पे ये क्या है। जब भी आप आगे अपने नोट वगैरह पढ़ोगे तो आपके सामने तुरंत ये चीज़ आएंगी, तो आप क्या कर लोगे, सारी चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी तुरंत। इनको आप एक एक करके हम पढ़ते हैं, थोड़ा मैं आपको वहाँ पे देखो मैंने दो दो बारी करवा दिया आपको, ताकि फिर आपको माइंड में बैठ जाए। फर्स्ट हम जो कर रहे हैं, हम किस एंगल पे, किस बेस पे कर रहे हैं, हम किस बेस पे कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड्स कैसी हैं। ठीक है, इसमें हमने जो फर्स्ट बोला, इसमें हमने जो फर्स्ट बोला, हमने फर्स्ट क्या बोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा एंगल जिसमें तीनों साइड क्या होंगी, ऐसा एंगल, इसे हिंदी में हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, भुजाएं मतलब उसके जो साइड है। ठीक है, सम मतलब बराबर होंगी, ओके, समबाहु त्रिभुज हम इसे हिंदी में कह देते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, लेंथ ऑफ हमें पता है थ्री साइड रहती है यहाँ पे, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स इज इक्वल, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, इक्विलेटरल बोल दिया। लेटरल मतलब साइड, इक्वी मतलब इक्वल, बताओ। ठीक है, क्लियर रहेगा सबको, क्लियर रहेगा सबको। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, आ रहा है हमें ना। ठीक है, इसे अगर मैं आपको हल्का सा बना दूं, हल्का सा बनाने का ट्राई करें, तो लेंथ इक्वल होगी, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, इसमें तीनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे मैंने इसकी मार्किंग कर दी, ए ये ये, हर लाइन पे मैंने सेम रेड कलर से डैश बना रखा है, इट मीन्स ये इसके बराबर है, इट मीन्स वो क्या है, बराबर बराबर है, बराबर बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है भाई। ठीक है, अब एक चीज आपने बहुत केयरफुली माइंड में रखनी है, जब भी आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसमें जो एंगल होते हैं, एंगल भी वहां पे बराबर होते हैं, ये इसकी खासियत है। ठीक है, लेंथ क्या है यहाँ पे, इक्वल है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल होते हैं, एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल, सारे के सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होते हैं, और उनकी जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है। इसको अपने माइंड में फिट रखना, ठीक है, ये सीधा सीधा आपने ध्यान में रखना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि साइड बराबर है वहां पे, है ना, साइड बराबर है वहां पे, तो एंगल भी वहां पे बराबर होता है, 60 60 60, और तीनों को प्लस करोगे 180 आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ये था आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलो समझ आ गया। सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड क्या आएगा यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था, आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्राइंगल, इसे हिंदी में हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, लेंथ ऑफ
एनी टू साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, थर्ड वाली बिल्कुल अलग ही होगी। तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा बनाना ठीक रहेगा। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। इसमें आपको सी से दिख रहा होगा, इसमें आपको सी से दिख रहा होगा कि सर ये इसके इक्वल है। इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। देखो ये लेफ्ट राइट वाली आपको बराबर दिख रही है ना, ठीक है, और ये अलग है, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, आइसोसेलस ट्राइंगल बोल दिया। याद रहेगा सबको, आइसोसेलस ट्राइंगल हमने इसको क्या कह दिया, बोल दिया। ओके चलो, इसके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो दो एंगल होते हैं बराबर होते हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक्स वाई, सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा, सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा एंगल एक्स, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। हमने पहले क्या पढ़ा, इक्विलेटरल पढ़ा, तीनों के तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल वहां पे इक्वल हैं। फिर हमने आइसोसेलस पढ़ा, कोई भी दो साइड इक्वल हैं, और जो दो साइड इक्वल हैं उन पे जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। बताओ बताओ भाई, कोई दिक्कत याद है किसी को? क्लियर है, क्लियर है। चलो इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए मैं ऐसा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, ऐसा लिख लो, एंगल्स, एंगल ऑपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, ठीक है, ऐसा भी लिख लो, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ये इक्वल साइड है ना, देख लो ये इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है, इनका अपोजिट, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये है, ठीक है। बाकी आपको क्लियर हो जाएगा, जहां पे भी दो आपकी लाइन बराबर होंगी उन पे जो एंगल बन रहा होगा उसे हम क्या कह देंगे, वो बराबर होंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिर, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करोगे तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। फिर लास्ट हम कर लेते हैं इसमें, थर्ड थर्ड हम इसमें कर लेते हैं, ऐसे एस के बाद क्या बचा आपका, स्केलेन, स्केलेन ट्राइंगल, इसे हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, समबाहु हो गया ये, समद्विबाहु, अच्छा इसको विषम भाव कहते हैं, विषम मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। तो सारी की सारी साइड क्या है, अलग अलग है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड क्या है, ये डिफरेंट है। अब अपने हिसाब से इनको लर्न करना। इक्विलेटरल तो आपको क्लियर बता रहा है कि मैं इक्वल हूँ, सारी साइड इक्वल है, आइसोसेलस में दो साइड इक्वल है, स्केलेन में सारी साइड अलग अलग है, लेंथ ऑफ साइड डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, डिफरेंट साइड को हम इसमें कैसे बनाएंगे, कैसा ही बना दो, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, और ये एक साइड ये हो गई, ठीक है, नाम दे दो ए बी सी। इसमें सारी अलग है, इसमें मैंने एक डैश करा है, इस पर मैंने दो डैश करे हैं, इस पर मैंने तीन डैश करे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो अलग अलग है, वो ये शो कर रहा है कि अलग अलग है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इस पे करा, इसका मतलब वो दोनों बराबर हैं, यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है। याद है इक्विलेटरल में साइड इक्वल होंगी, एंगल भी 60 डिग्री होगा, आइसोसेलस में साइड डिफरेंस, दो साइड इक्वल होंगी, दो एंगल इक्वल होंगे, और स्केलेन में कुछ भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ना तो साइड इक्वल है और ना ही आपके एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, नोट हो गया, नोट है,
क्या नोट चले? ठीक है, तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे? स्पेलिंग गलत है, टी ई कर लो यहाँ पे, एक्यूट। तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, चलो सेकंड की हम बात कर लेंगे यहाँ पे। सेकंड आपका जो यहाँ एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राई एंगल, ऐसा ट्राई एंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, वन ऑफ द एंगल, जितने भी एंगल्स हैं उनमें से एक एंगल, वन ऑफ द एंगल्स इज राइट एंगल, राइट एंगल इट मींस 90 डिग्री। सी से ये ऐसा हो जाएगा, ये होगा आपके यहाँ पे 90 डिग्री, बाकी कुछ भी हो सकते हैं फिर वहाँ। ठीक है, एंड देन आपका थर्ड आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल, इसमें क्या होगा? वन ऑफ द एंगल, वन ऑफ द एंगल्स इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज में क्या होगा? मोर देन 90, लेस देन 180। एंगल की वैल्यू तो पता ही है आपको ना, एक 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, बाकी कुछ भी हो सकते हैं फिर। ओके इस तरीके से हो सकता है कुछ।
जी इसको मान लो 120 मान लो, बाकी कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये आपका पूरा क्या ट्रायंगल के टाइप। एक बार नोट कर लो, फिर मैं इनको सम अप करवाता हूँ आपको। नोट कर लो, फिर सम अप करवाता हूँ। नोट कर लो, फिर सम अप करवा रहा हूँ। हो गया, हो गया भाई। हो सकता है यार आपको ये अभी लग रहा होगा कि बिल्कुल अलग ही चीज हम पढ़ रहे हैं, है ना, कि ये एकदम से कहाँ से आ गया जियोमेट्री वाला पोर्शन। लेकिन देखो, जो चीज आपके लिए नई होती है उसमें थोड़ा टाइम तो देना है ना। एक दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, फिर आपको हैबिट बन जाएगी, इंटरेस्ट आएगा आपको। कोई भी जब आपका नया दोस्त होता है तो एकदम से तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। एक बार आप उसके बारे में जानते हो, फिर आपको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है ना। धीरे धीरे आप लोग बैठते हो, बातें करते हो, उसके साथ आप टाइम बिताते हो, ठीक है, टाइम स्पेंड करते हो। धीरे धीरे वो आपको समझ आने लगता है, आप भी उसको समझ आने लग जाते हो, बस ठीक है। तो क्या है, टाइम देना है। थोड़ा प्रयास तो करो कि यार सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, वो कब पता चलेगा, जब आप उसके साथ टाइम बिताओगे। तो जब आप इनको पढ़ोगे, जब आप इनको लिखोगे, इनके बारे में सोचते रहोगे, तो ही फिर आपको ये अच्छा लगने लगेगा, समझ भी आएगा। समझ तो खैर आ ही रहा होगा, है ना। हाँ चलो, क्या पढ़ा हमने? ट्राइंगल के टाइप पढ़े। पहला जो हमारा बेस था, जो आधार था, कि यार हम किस हिसाब से ट्राइंगल को कैटेगराइज कर रहे हैं, कि जो उसमें साइड है, अगर साइड तीनों के तीनों बराबर होंगी, उसे हम कहेंगे इक्विलेटरल। तो उसमें एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड बराबर होंगी, फिर इसमें दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। स्केलेन ट्राइंगल, तीनों के तीनों साइड अलग होंगी, कोई भी बराबर नहीं होंगे। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, उन एंगल के बेस पे हमने ट्राइंगल को अलग अलग प्रकार में बांटा। पहला क्या था आपका, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि एक एक क्या उसमें तीनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, ओके। दूसरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें क्या होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, कोई भी एक एंगल 120 डिग्री, 180 से कम और 90 से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ओके। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या पढ़ी, कि जो एंगल होते हैं उसके अंदर, उनको अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद 180 ही आना चाहिए। अगर ये 120 हो गया तो मैं इसको फिर 120 थोड़ा ना कर सकता हूँ, समझ गए बात को, वो तो फिर 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो ऐसे एंगल होते हैं फिर, कि अगर हम उनको प्लस करें तो 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी सेम वही होगा, ऐसा नहीं कि हमने दूसरा एंगल भी 90 डिग्री बना लिया, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी भी आपको माइंड में रखनी है, कि जो एंगल हम प्लस करेंगे 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताओ, यहाँ पे आपका ट्राइंगल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो पूछ लो।
कोई दिक्कत है किसी को तो यहाँ तक तो पूछ लो, बाकी फिर हम क्वेश्चन करते हैं। कर लें क्वेश्चन? ओके देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कौन इसको करेगा? ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ प्राइवेट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इस तरीके से था आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स कैन बी दोज ऑफ है, कैन बी दोज ऑफ अ ट्राई एंगल। ऑप्शन देता हूं आपको। ए ऑप्शन है 52 डिग्री, 69 डिग्री, 79 डिग्री। बी ऑप्शन था 30 डिग्री, 69 डिग्री, 71 डिग्री। सी ऑप्शन है 132 डिग्री, 169 डिग्री, 59 डिग्री। एंड देन लास्ट डी ऑप्शन था 32 डिग्री, 69 डिग्री, 79 डिग्री। ये थे क्वेश्चन, समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर, मेजर मतलब जो माप दे रखी है, जो नाप के आपको वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, ऑफ थ्री एंगल्स, तीन एंगल दे रखे हैं, जो तीन एंगल का आपको मेजर दे रखा है, कैन बी दोज ऑफ ए ट्राई एंगल, जो किसी एक ट्राई एंगल के एंगल हो सकते हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन से वो एंगल हैं जो कि ट्राई एंगल के एंगल होंगे? अगर क्वेश्चन को समझे तो आंसर दो। सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते हैं कौन दिमाग लगाता है, कौन दिमाग लगाता है। कौन लगाएगा इसमें दिमाग? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ थ्री एंगल्स कैन बी दोज ऑफ ट्राई एंगल, जो ट्राई एंगल के एंगल होंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो कुछ भी एंगल हो सकता है, मैं भी बोलूंगा हाँ भाई एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो सर वो बेस क्या है, कैसे हम उसको करेंगे कि हाँ भाई वो ट्राई एंगल के एंगल है? सौर्य का आंसर आ गया, ठीक है। सार्थक कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आंसर बताना चाह रहे हैं? आंसर बताए तो चैट में बताओ, पूछ रहे हो तो माइक ऑन कर लो, पूछ रहे हो तो आंसर चैट में दे दो। सार्थक, सौरभ का आ गया आंसर। सार्थक का भी आ गया, ठीक है। मजे की बात यह है कि दोनों के अलग अलग आंसर आए, दोनों के अलग अलग आंसर आए। कितनी बार लिखोगे सौरभ? 3 बार ही तो तुमने लिख लिया आंसर, पढ़ लिया मैंने भाई। सिद्धार्थ का भी आ गया, ठीक है। और लोग भी दो आंसर, और लोग भी दो आंसर। इसीलिए देखो प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? ये जमीन जायदाद वाली नहीं, ये ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर होगा वो तो क्वेश्चन को फोड़ ही देगा भाई। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो क्या करोगे इसमें? लो कोई पढ़े रहोगे उसमें, कभी इधर से प्लस करोगे, उधर से माइनस करोगे, इधर से मल्टीप्लाई, इधर से डिवाइड करते रहोगे, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तुरंत आपने सीधे देखना, अच्छा भाई ये वैल्यू दे रखी है हमने, सीधे इनको हमने प्रॉपर्टी क्या कर आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी होता है, ठीक है दोस्त। ठीक है, शरण्या का आ गया, माधव का आ गया, साची का आ गया। चलो देखो भाई, आप पे बोला गया था इनमें से कौन सा ऐसे मेजर है जो कि क्या होगा, जो कि क्या होगा, एक ट्राई एंगल के एंगल होंगे। आपको यहाँ से दिखना चाहिए, ठीक है, क्या दिखना चाहिए
किसी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से तीन एंगल होंगे। अब वैसे तो कोई भी तीन एंगल हो सकते हैं, लेकिन जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राई एंगल की, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राई एंगल की, कौन सी? कि सर सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे माइंड में रखनी थी कि हम इनको अगर प्लस करेंगे, इन तीन एंगल को 180 आना चाहिए। आपने फर्स्ट को प्लस करा, 9 9 18 18 टू कितना हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 2 7 6 13 13 5 18, ये 200 हो रहा है, 200 ही हो रहा है ना, तो 200 तो होने नहीं वाला। ये करोगे 9 1 10 का 0 कैरी 1 7 6 13 3 90 91 10, ये भी 200, 200 ही हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ? वन सेवेंटी हो रहा है ना। 9 1 10 का 0 कैरी 1 7 6 कितना होता है, 13 13 3 16 61 70, ये 170 हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होने वाला। 9 9 18 18 टू 20 का 0 कैरी 2 5 6 11 11 3 11 3 कितना होता है, 14, एंड 14 14 टू 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 3 16, ये भी नहीं हो रहा। फिर तो यही होगा ना, आप लोग भी कोई आंसर डी दे रहे थे, ठीक है, दो तीन बच्चों ने सही दिया, बाकी देख लो भाई। 9 9 18 18 टू 20 का 0 कैरी 2 7 2 9 9 6 15 15 3 18, इसमें आ रहा है 180 डिग्री, तो ये वाला होना था आपका, ठीक है। तो प्लस करके हमने आंसर करना था, 32 डिग्री प्लस 69 डिग्री प्लस 79 डिग्री, ठीक है, प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और वो हमारा आ भी गया, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बढ़िया सर, नेक्स्ट देख लो, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगाई कि जो सम होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलो इस क्वेश्चन को करो, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल आर 60 डिग्री 3 डिग्री एंड 50 डिग्री देन फाइंड थर्ड एंगल, देन फाइंड थर्ड एंगल। आप बोल रहे होंगे सर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखते कौन आंसर देता है। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 50 डिग्री देन फाइंड थर्ड एंगल, समझ गए कैसे करना है, समझ गए कैसे करना है? ठीक है, आंसर आने लग गए, अलग अलग आ रहे हैं आंसर। सानिया सही से चेक करो, भाइयों का सही है। आपको पता है जो तीनों एंगल होते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल 180 होता है। दो एंगल मुझे दे रखे हैं, तो मैं इन दो को 180 से माइनस कर लूंगा ना, चाहे तो ऐसा समझ लो, ये लिखना मत, मैं जस्ट आपको समझाने के बोल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होता है। दो एंगल मुझे दे रखे हैं, 60 दे रखा है प्लस 50 दे रखा है, तीसरा एंगल मुझे फाइंड करना है, तो मैं इनमें से माइनस ही तो करूंगा, इनको प्लस कर दो उसमें से, उनको 180 में से माइनस कर दो, क्लियर है? ये तो डायरेक्ट करोगे, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर देना था, 60 प्लस 50 कितना हो जाता, 110। अब हमने 180 में से 110 को माइनस कर देना था, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। सीधे आप इनको माइनस भी कर सकते हो, 180 में से 50 और 60 को माइनस ही तो हमें करना है, ठीक है, वैसा भी लिख सकते हो, कहीं पे लिखा होगा बुक बुक में, कंफ्यूज मत होना, समझ गए क्वेश्चन? प्रॉपर्टी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन तुरंत होने चाहिए, है ना, आई मीन स्पीड से होने चाहिए, अभी तो आप सीख रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में करोगे
एग्जाम में तुरंत स्पीड से होने चाहिए आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल एन एंगल ऑफ है राइट एंगल ट्राई एंगल, देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राई एंगल इज 45 डिग्री, देन फाइंड थर्ड एंगल, देन फाइंड थर्ड एंगल। बताओ भाई कोई है जो इस क्वेश्चन को करेगा, कोई है जो इस क्वेश्चन को करेगा? एन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राई एंगल इज 45 डिग्री, देन फाइंड थर्ड एंगल। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर भी आ गया, शोर का आ गया। माधव का भी आ गया, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें भाई आप जितना रिवीजन करोगे उतना आप बहुत कंफर्टेबल करोगे, ये समझ लो कि आगे आपकी आने वाली जो भी क्लासेस हैं उनमें इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जो भी आप ज्योमेट्री स्टार्टिंग से कर रहे हो, क्योंकि हमने एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ना है ना, स्क्वायर वगैरह रेक्टेंगल का कई सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, तो ये एंगल काम आता रहेगा, एंगल काम आता रहेगा। एरिया वगैरह में तो सीधे हमें वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन फिर भी है ना। चलो देखो, आपको बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें तो एक एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री होता है, पहले से ही वो राइट एंगल बोल दे 90 डिग्री होता है। फिर बोला एक जो उसका एंगल है वो 45 डिग्री है, तो तीसरा एंगल निकालना है। सिंपल हमने क्या करना था, सिंपल हमने क्या करना था, आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें 90 डिग्री होगा, प्लस 45 डिग्री हमें दे रखा है, प्लस हमें तीसरा एंगल, इसे मैं एक्स मान लेता हूँ, वो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सिंपल हमने इनको वही तो करना था, ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू इसे माइनस करोगे 180 माइनस 135 करोगे, आपको 45 डिग्री मिलेगा। और आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर आप इसको डायरेक्ट देखो आपको पता है सर एक एंगल 90 डिग्री है, 45 प्लस 45 90 होता है ना, एक 90 एक 45 है, एक और मुझे 45 चाहिए ताकि वो 180 हो जाए। आंसर क्या आएगा आपका, 45 डिग्री आएगा। बताओ भी बताओ, कर लोगे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन तो अभी आएंगे बिल्कुल तगड़े तगड़े। एंगल का एक बार अपने माइंड में बिल्कुल इमेज क्लियर कर लो, ठीक है, कि जो हमने वहाँ पे 6 7 8 9 10 जितने भी एंगल पढ़े उनके आपको वैल्यू बिल्कुल कंफर्टेबल आपके माइंड में इजी वे में सेट होनी चाहिए। एक्यूट एंगल आया तुरंत माइंड में आएगा 90 से कम होना चाहिए, राइट एंगल आया तुरंत होना चाहिए कि 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज आया कि 90 से ऊपर है 180 से छोटा है, ठीक है। आपका क्या है फिर रिफ्लेक्स आया कि आपका 180 से ऊपर है 360 से छोटा है, आपका क्या है कंप्लीट आया क्या बोलोगे 360 हो, कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम 180 डिग्री, बाकी वो हमने अलग अलग प्रॉपर्टी देखी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल वगैरह, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, एडजेसेंट एंगल, फिर हमने ट्रांसवर्सल लाइन के लिए करे थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह, एक्सटीरियर एंगल वगैरह, ठीक है। तो वो चीज़ आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर उतनी कंफर्टेबल वे में आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी, समझ रहे मेरी बात को? बाकी जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको फिर दिक्कत आएगी, वो पीछे का अगर रिवाइज नहीं कर रहा है आगे का कितना भी पढ़ोगे तो कन्फ्यूजनी आपको होती रहेगी, परेशान होते रहोगे, समझ नहीं आएगा उतने अच्छे से, है ना, क्योंकि पीछे तो हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम आगे तो पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का नहीं कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसे भी हम भूल जाएंगे फिर, ठीक है। अगर भूलोगे नहीं फिर भी उतने इजी वे में आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप रिवाइज नहीं करो, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ आप हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई भी हो दुनिया का, अगर पीछे का हम रिवाइज नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि हम उसको भूल जाएंगे, ठीक है। डेली इतनी सारी चीज़ें हमारे माइंड के सामने आती हैं, माइंड इतना याद थोड़ा ना रखेगा,
ठीक है, तो वो आपको बार बार आपके सामने चीजें आनी चाहिए, बार बार आपको उसको रिवाइज करना है, बार बार चीजें माइंड के सामने आती जाएंगी, वो एक बारी के लिए फिर बैठ जाएंगी, फिर वो लंबे समय तक याद रहेंगे, फिर आपको बीच बीच में हल्का फुल्का उसे देखना होता है। ठीक है, चालाकी करना सीखो माइंड से, हल्का फुल्का दिखाते रहो उसको बीच में कि भाई है, तू ये मत सोचना कि कुछ नहीं है, तू देख कि है तेरे सामने चीजें हैं। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि जियोमेट्री में आपको बिल्कुल सोली सोली करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आप एक एक चीज को अच्छे से कर लो। जो चीज हमने अभी तक पढ़ी आराम से बैठ करके, जितना भी आप बैठ पा रहे हो, आधा घंटा एक घंटा, इस पूरे को शांत मन से रिकॉल करो कि अच्छा हमने वहाँ पे ये पढ़ा, पूरा जो आपने नोट करा है उसे अच्छे से चेक करते चलो, अच्छा यहाँ पे ये करा, यहाँ पे ये करा, यहाँ पे ये करा, समझ रहे हो, क्योंकि जियोमेट्री है आगे, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अभी तो हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से करो, बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। ठीक है, तो मिलते फिर हम लोग कल की क्लास में, यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNVCHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीजें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए है, बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेज स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।